हमारी सरकार ओडिशा में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्कर्ष उत्कल के माध्यम से निवेश को बढ़ाया जा रहा है। ओडिशा में नई सरकार बनते ही पहले 100 दिनों के भीतर भीतर 45,000 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी मिली है। आज ओडिशा के पास अपना विजन भी है और रोड मैप भी है। अब यहां निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। मैं इन प्रयासों के लिए मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन चरण मांझी जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, ओडिशा के सामर्थ्य का सही दिशा में उपयोग करके उसे विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया जा सकता है। मैं मानता हूं ओडिशा को उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन का बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। यहां से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचना आसान है। पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए ओडिशा व्यापार का एक महत्वपूर्ण हब है। ग्लोबल वैल्यू चेन में ओडिशा की अहमियत आने वाले समय में और बढ़ेगी। हमारी सरकार राज्य से एक्सपोर्ट बढ़ाने के लक्ष्य पर भी काम कर रही है। साथियों, ओडिशा में अर्बनाइजेशन को बढ़ावा देने की पर संभावनाएं हैं। हमारी सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठा रही है। हम ज्यादा संख्या में डायनेमिक और वेल कनेक्टेड सिटीज के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। हमें ओडिशा के टियर 2 शहरों में भी नई संभावनाएं बनाने का भरपूर हम प्रयास कर रहे हैं। खास तौर पर पश्चिम ओडिशा के इलाकों में जो जिले हैं वहां नए इंफ्रास्ट्रक्चर से नए अवसर पैदा होंगे। साथियों, हायर एजुकेशन के क्षेत्र में ओडिशा देश भर के छात्रों के लिए एक नई उम्मीद की तरह है। यहां कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट है जो राज्य को एजुकेशन सेक्टर में लीड लेने के लिए प्रेरित करते हैं। इन कोशिशों से राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम को भी बढ़ावा मिल रहा है। साथियों, ओडिशा अपनी सांस्कृतिक समृद्धि के कारण हमेशा से खास रहा है। ओडिशा की विधाएं और किसी को सम्मोहित करती है, हर किसी को प्रेरित करती है। यहां का ओडिसी नृत्य हो, ओडिशा की पेंटिंग्स हो, या जितनी जीवंतता पट्ट चित्रों में देखने को मिलती है, उतनी ही बेमिसाल हमारे आदिवासी कला की प्रतीक सौरा चित्रकारी भी होती है। संबलपुरी, बोमकाई और कोटपाद बुनकरों की कारीगरी भी हमें ओडिशा में देखने को मिलती है। हम इस कला और कारीगरी का जितना प्रसार करेंगे, उतना ही इस कला को संरक्षित करने वाले उड़िया लोगों को सम्मान मिलेगा। साथियों, हमारे उड़ीसा के पास वास्तु और विज्ञान की भी इतनी बड़ी धरोहर है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, इसकी विशालता, इसका विज्ञान, लिंगराज और मुक्तेश्वर जैसे पुरातन मंदिरों का वास्तु, ये हर किसी को आश्चर्यचकित करता है। आज लोग जब इन्हें देखते हैं तो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि सैकड़ों साल पहले भी ओडिशा के लोग विज्ञान में इतने आगे थे। साथियों, ओडिशा पर्यटन की दृष्टि से अपार संभावनाओं की धरती है। हमें इन संभावनाओं को धरातल पर उतारने के लिए कई आयामों में काम करना है। आप देख रहे हैं, आज ओडिशा के साथ साथ देश में भी ऐसी सरकार है जो ओडिशा की धरोहरों का, उसकी पहचान का सम्मान करती है। आपने देखा होगा, पिछले साल हमारे यहां G20 का सम्मेलन हुआ था।
हमने G20 के दौरान इतने सारे देशों के राष्ट्राध्यक्षों और राजनयिकों के सामने सूर्य मंदिर की ही भव्य तस्वीर को प्रस्तुत किया था। मुझे खुशी है कि महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर परिसर के सभी 4 द्वार खुल चुके हैं, मंदिर का रत्न भंडार भी खोल दिया गया है। साथियों, हमें ओडिशा की हर पहचान को दुनिया को बताने के लिए भी और भी इनोवेटिव कदम उठाने हैं। जैसे हम बाली यात्रा को और पॉपुलर बनाने के लिए बाली यात्रा दिवस घोषित कर सकते हैं, उसका अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रचार कर सकते हैं। हम ओडिसी नृत्य जैसी कलाओं के लिए ओडिसी दिवस मनाने की शुरुआत कर सकते हैं। विभिन्न आदिवासी धरोहरों को सेलिब्रेट करने के लिए भी नई परंपराएं शुरू की जा सकती है। इसके लिए स्कूल और कॉलेजों में विशेष आयोजन किए जा सकते हैं। इससे लोगों में जागरूकता आएगी, यहां पर्यटन और लघु उद्योगों से जुड़े अवसर बढ़ेंगे। कुछ ही दिनों बाद प्रवासी भारतीय सम्मेलन भी, विश्व भर के लोग इस बार उड़ीसा में भुवनेश्वर में आने वाले हैं। प्रवासी भारतीय दिवस पहली बार उड़ीसा में हो रहा है। ये सम्मेलन भी उड़ीसा के लिए बहुत बड़ा अवसर बनने वाला है। साथियों, कई जगह देखा गया है, बदलते समय के साथ लोग अपनी मातृभाषा और संस्कृति को भी भूल जाते हैं, लेकिन मैंने देखा है उड़िया समाज चाहे जहां भी रहे अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपने पर्व त्योहारों को लेकर हमेशा से बहुत उत्साहित रहा है। मातृभाषा और संस्कृति की शक्ति कैसे हमें अपनी जमीन से जोड़े रखती है, ये मैंने कुछ दिन पहले ही दक्षिण अमेरिका के देश गयाना में भी देखा। करीब 200 साल पहले भारत से सैकड़ों मजदूर गए, लेकिन वो अपने साथ रामचरित मानस ले गए, राम का नाम ले गए। इससे आज भी उनका नाता भारत भूमि से जुड़ा हुआ है। अपनी विरासत को इसी तरह सहज कर रखते हुए जब विकास होता है तो उसका लाभ हर किसी तक पहुंचता है। इसी तरह हम ओडिशा को भी नई ऊंचाई पर पहुंचा सकते हैं। साथियों, आज के आधुनिक युग में हमें आधुनिक बदलावों को आत्मसात भी करना है और अपनी जड़ों को भी मजबूत बनाना है। ओडिशा पर्व जैसे आयोजन इसका एक माध्यम बन सकते हैं। मैं चाहूंगा आने वाले वर्षों में इस आयोजन का और ज्यादा विस्तार हो। ये पर्व केवल दिल्ली तक सीमित न रहे, ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़े, स्कूल कॉलेजों का पार्टिसिपेशन भी बढ़े। हमें इसके लिए प्रयास करने चाहिए। दिल्ली में बाकी राज्यों के लोग भी यहां आए, ओडिशा को और करीबी से जाने, ये भी जरूरी है। मुझे भरोसा है आने वाले समय में इस पर्व के रंग उड़ीसा और देश के कोने कोने तक पहुंचेंगे। ये जन भागीदारी एक बहुत बड़ा प्रभावी मंच बनेगा। इसी भावना के साथ मैं एक बार फिर आप सभी को बधाई देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ। जदि आपंक आम वीडियो भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी बुलां नहीं।